नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। कल देर रात सीएम नीतीश ने जो है एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए लोगों को ये जानकारी दी कि बिहार के तमाम 18 से अधिक उम्र के लोगों को जो है वो मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। आपको ये भी याद दिला दें कि जब 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान बीजेपी ने भी ये ऐलान किया था कि बिहार के तमाम लोगों को जो है वो मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में जो है 1 मई से इसका प्रकीर्ण जो है वो शुरू होने वाला है, तमाम लोगों को जो है कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम आंकड़े के अनुसार देखें तो जितने भी राशि बची हुई है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पास, वो सारे के सारे पैसे जो है वो कोरोना की वैक्सीन खरीदने में चली जाएगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सामने खड़ा हो रहा है कि अगर बिहार सरकार तमाम पैसे जो है वो कोरोना की वैक्सीन खरीदने में लगा देगी तो कहीं ना कहीं बाकी के उत्कीर्णों के लिए, बाकी के सामान जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खर्च किए जाएंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि बिहार सरकार जो पहला डोज खरीदने वाली है कोरोना की वैक्सीन को लेकर के, उसमें करीबन 400 रुपये प्रति डोज का दाम है। ऐसे में जो दूसरा डोज है उसका दाम जो है 600 रुपये रखा गया है। तो कुल मिला के करीबन दोनों डोज के लिए बिहार सरकार को करीबन 4200 करोड़ रुपये जो है वो खर्च किए जाने हैं। ऐसे में इतना बड़ी संख्या में जो है, इतना बड़ा मूल्य जो है बिहार सरकार खर्च करने वाली है सिर्फ कोरोना वैक्सीन को लेकर के, जिसके बाद उनके पास कोई भी अन्य खर्च जो है वो नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास उतने ज़्यादा मूल्य रहेंगे नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर इतने सारे पैसे बिहार सरकार खर्च करती है तो उनसे पहले उन्हें केंद्र सरकार से ज़्यादा पैसे की मांग करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कई समय से जो है बिहार को विशेष दर्जा की मांग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि बिहार में जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे, क्योंकि बिहार की जो बुरी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तभी सुधरेगी जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर सामने आएगी। ऐसे में तमाम लोगों का ये कहना था कि सबसे पहले बिहार सरकार को जो है वो केंद्र से ज़्यादा पैसे की मांग करनी चाहिए थी। उन्हें ये कहना चाहिए था कि कम से कम वैक्सीन का जो मूल्य है वो केंद्र सरकार को देना चाहिए था, ताकि जो राज्य सरकार बाकी के मूल्यों से जो है अपने बाकी उत्कीर्ण खरीद सकती थी, ताकि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ सभी पे बेड मौजूद होना चाहिए, वहाँ सभी पे वेंटिलेटर चाहे, इसके साथ ही डॉक्टरों का खर्च, ये सभी चीज़ें जो है बाकी के मूल्य से जो है खरीदा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़ी संख्या में जो मूल जो है वो कोरोना की वैक्सीन खरीदने में लगा दी गई है, ऐसे में वापस से आम जनता की ही परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि अगर उन्हें मुफ्त में वैक्सीन लगती है तो कहीं ना कहीं फिर से जो बिहार के सरकारी अस्पताल की जो लचर व्यवस्था है वो वैसी की वैसी ही रह जाएगी और इसको सुधारने के लिए जो है वो कोई भी अन्य कदम नहीं उठाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो सकता है कि बिहार सरकार ने लगता है बिना किसी प्लानिंग के अलावा जो है इतनी बड़ी फैसला का जो है ऐलान कर दिया। आपको ये भी बता दें कि बिहार में करीब 5.5 करोड़ के आसपास युवा हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को मुफ्त में अगर डोज मिलता है तो 1000 से 1200 रुपये दोनों डोज का जो है खर्च आएगा। तो इतनी बड़ी संख्या में करीबन 4200 करोड़ रुपये जो खर्च होंगे वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या होती है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मूल्य होता है जिसको कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग जो है खर्च करने वाला है और स्पेक्ट्रम जो कंपनी है वहाँ से खरीदने वाला है। आपको ये भी बता दें कि ये जो 4200 करोड़ रुपए है ये सिर्फ वैक्सीन के लिए खर्च होंगे, इसके अलावा वैक्सीन को रखने का जो देखरेख का जो मूल्य होता है वो अलग से खर्च किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है और ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि हर बार बिहार का स्वास्थ्य विभाग कोई ना कोई जो है वो बहाना बनाता है, कोई ना कोई अपनी परेशानियां बताता है, अपने दुख बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके द्वारा एक ही जो है निष्कर्ष ये निकलता है कि वो कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ नहीं करती है, इसीलिए हर काम में जो है वो पीछे रह जाती है और उनका जो है ये व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर कोरोना वैक्सीन खरीदनी भी थी तो बिहार सरकार को जो है पहले ही केंद्र सरकार से ज़्यादा मूल्यों की मांग करनी चाहिए थी, या फिर केंद्र सरकार को ये आवेदन देना चाहिए था कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं कुछ बजट जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया जाए, ताकि सारे के सारे पैसे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के ना लगे, क्योंकि उन्हें बाकी के पैसे से जो है सरकारी अस्पतालों में बाकी सारे सामान की उपलब्धियां भी करानी होंगी और ऐसे में जो है वो फिर से एक बार परेशानी जो बढ़ेगी वो मरीजों के ऊपर ही बढ़ेगी, जो गाज गिरेगा वो मरीजों के ऊपर ही गिरेगा। तो कुल मिला के जो है सीएम नीतीश को एक बार फिर से अपने फैसले पे सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। तो अब बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को कोई अतिरिक्त जो है वो मौका खोजना चाहिए, कोई और जो है तरीका अपनाना होगा, ताकि जो है बिहार के स्वास्थ्य विभाग के पास वापस से फंड आए और वो बाकी उत्कीर्णों को लेकर के भी जो है वो मूल्य खर्च कर सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।